हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 के अंदर क्वांटिटीज़ के बारे में। क्वांटिटी कितने टाइप्स की थी, तो कि टू टाइप्स की क्वांटिटी थी, एक थी नॉन फिजिकल और एक थी फिजिकल। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, तो फिजिक्स को डिफाइन करने वाली जो क्वांटिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और अदर वर्ड में बोलना हो तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। मेजरेबल जो फिजिकल मेजरेबल जो क्वांटिटीज होती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और जिसको मेजर नहीं कर सकते तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में कौन से, तो कि लेंथ, मास, टाइम, एट्सेट्रा, जो हम मेजर कर सकते हैं। जब हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ब्यूटीफुलनेस है, वो हम मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। स्टूडेंट, तो लास्ट हमने लेक्चर में ये सब डिस्कस किया था, फिर यूनिट की बात भी की थी कि यूनिट क्या होता है। तो कि यूनिट होता है उसको यूनिट क्या होता है, तो कि फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए, और जो स्टैंडर्ड मेजर है फिजिकल क्वांटिटी का उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। तो यूनिट्स है, तो यूनिट सिस्टम भी डेवलप हुआ होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री कुछ डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सिस्टम फॉलो करते हैं। स्टूडेंट, तो पहले के ज़माने में कैसे मेजर किया जा सकता था, हमने एक स्टोरी भी देखी थी कि हमारे पास पर्टिकुलर यूनिट नहीं हो, तो यूनिट ना होने की वजह से काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी आती है मेजरमेंट के अंदर। वो किसी का भी मेजरमेंट हो सकता है, मास का मेजरमेंट हो, लेंथ का मेजरमेंट हो, टाइम का मेजरमेंट हो, पर्टिकुलर यूनिट ना हो तो हमें डिफ़िकल्टी होती है मेजरमेंट में। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री ने अपने नीड के अकॉर्डिंग कुछ यूनिट के सिस्टम बनाए थे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि कोई पहले के ज़माने में मेजरमेंट कैसे किया जा सकता था। मेजरमेंट के लिए यूनिट या तो स्टैंडर्ड किसको लेते थे, वो देखते हैं। तो फर्स्ट हम लेंथ की मेजरमेंट के लिए बात करते हैं, तो पहले के ज़माने में मेजरमेंट बॉडी के ऊपर से करते थे। तो यहाँ पर मैं एक मेन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोई मेन है, मेरी ड्राइंग थोड़ी वीक, आप समझ जाना। तो उस ज़माने में लेंथ मेज़र करने के लिए ये जो फुट का जो साइज़ होता था, फुट की लेंथ के ऊपर से वो लोग मेज़रमेंट के लिए फुट लेते थे। डिस्टेंस मेज़र करने के लिए क्या कहते थे, तो कि फुट लेते थे, और दो लेग्स के बीच का जो डिस्टेंस होता था उसको लेते थे स्टेप्स। ये स्टेप्स को भी क्या करते थे, वो लोग लेंथ के मेज़रमेंट में यूज़ करते थे। फिर एक यार्ड आता था, जो हमारे मैन के जो बेल्ट की साइज़ होती है, बेल्ट की साइज़ को वो लोग बोलते थे यार्ड। ये भी किसके मेजरमेंट में यूज़ करते थे, तो कि लेंथ के मेजरमेंट में। और एक क्यूबिट क्या था, तो कि एल्बो से लेके ये एल्बो से लेके फिंगर की टिप तक का जो मेज़रमेंट होता है उसको बोलते थे क्यूबिट। कहीं जगह पे, काफ़ी सारी जगह पे क्यूबिट से मेजरमेंट देखे होंगे, फुट का मेजरमेंट अभी भी करते हैं। स्टेप का मेजरमेंट हम बचपन में किए ही होंगे। स्टेप से हम मेजरमेंट करते हैं कि मेरे 10 स्टेप में ये डिस्टेंस कवर हो रहा है, आपके 5 स्टेप में ही कवर हो रहा है। तो मतलब मैं लेंथ का मेजरमेंट हम स्टेप में करते थे, पहले के ज़माने में करते थे, फिर फुट से भी करते थे, फिर यार्ड से भी। लेकिन ये सभी मेजरमेंट में डिफ़िकल्टी क्या है, तो कि ये फिक्स नहीं है। यूनिट कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, टाइम के साथ और लोकेशन के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वो सेम रहना चाहिए। ये तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो कि टॉल मैन होगा तो उसके स्टेप कम होंगे, कोई पतला सा इंसान होगा तो उसके यार्ड कम होगा, कोई लंबा होगा तो उसके जो क्यूबिट है वो हैंड लंबे होंगे तो क्यूबिट बढ़ जाएगा, कोई छोटा होगा तो उसके क्यूबिट कम आएंगे। मतलब मैं सभी में डिफरेंस होगा लेंथ के मेजरमेंट में, तो काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है मेजरमेंट के अंदर। डिफ़िकल्टी आ सकती है, एरर्स आ सकते हैं। तो हमें ऐसा स्टैंडर्ड नहीं रखना, हमें कोई पर्टिकुलर ऐसा स्टैंडर्ड बनाना, ऐसी सिस्टम बनानी यूनिट की जिसे हम प्रॉपर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो पहले के ज़माने में हमारी इंडिया के ऊपर ब्रिटिश लोग का राज था, अंग्रेज लोग का राज था, तो उन्होंने एक सिस्टम डेवलप की मेजरमेंट के लिए। फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हमें करना ही था, हमारी नीड थी, कोई प्रोडक्ट को बाहर भेजना हो, कोई प्रोडक्ट को इंडिया में लाना हो, तो कुछ ना कुछ उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो इंडिया के अंदर उस टाइम पे ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, तो उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया मेजरमेंट के लिए। उस सिस्टम का नाम है FPS, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। इस यूनिट सिस्टम में ये एफ का मीनिंग होता है फुट, पी का मीनिंग होता है पाउंड, और एस का मीनिंग होता है सेकंड। ये फुट किसके लिए, तो अभी हमने देखा फुट किसके लिए मेजरमेंट के लिए लेते हैं डियर स्टूडेंट,
फुट हम लेते हैं लेंथ के मेजरमेंट के लिए और पाउंड किसके लिए, तो कि मास के मेजरमेंट के लिए। ये लेंथ के मेजरमेंट के लिए, मास के मेजरमेंट के लिए, और सेकंड तो आपको बताइए टाइम के मेजरमेंट के लिए। तो ये एक सिस्टम थी जो ब्रिटिश लोगों ने डेवलप की थी, इसलिए इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। और ये एपीएस सिस्टम है, बहुत पुरानी सिस्टम है। ओके, इससे पुरानी कौन सी, तो कि क्यूबिट यार्ड फुट स्टेप से ओके मेजर करते थे। ओके, एपीएस सिस्टम में डिफ़िकल्टी ये थी कि फुट सभी के सेम नहीं हो सकते। ओके, तो कुछ कुछ कंट्री वालों ने एक दूसरी सिस्टम डेवलप की। ओके, वो लोगों ने डेवलप की सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली, मतलब सीजीएस सिस्टम डेवलप की। सीजीएस सिस्टम में ये सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, ओके, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। तो इसमें डिफ़िकल्टी ये थी कि इस सेंटीमीटर, मतलब मैं लेंथ का मेजरमेंट सेंटीमीटर में, मास का मेजरमेंट ग्राम में, और टाइम का मेजरमेंट सेकंड में। अभी मुझे लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट करना हो तो मैं सेंटीमीटर में कब तक मेजर करते रहूँगा। ओके, ज़्यादा लंबा डिस्टेंस होगा तो सेंटीमीटर में ज़्यादा मुझे मेजर करना पड़ेगा। ग्राम के अंदर बात करूँ तो कोई हेवियर ऑब्जेक्ट है, हेवी बॉडी है, या तो हमारे बॉडी का मास है, वो हम ग्राम के अंदर नहीं मेजर करते। ओके, हम ऐसा नहीं बोलते कि मेरा 500 ग्राम वेट है, ओके, या तो 5000 ग्राम मेरा वेट है, या तो मास है, ऐसा हम नहीं बोलते। हम केजी में बोलते हैं, मतलब मैं ग्राम पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी के लिए ही हम लेते हैं, सभी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब लार्ज क्वांटिटी के लिए हमें लेना हो तो उसके लिए एक सिस्टम डेवलप की जिसका नाम है एमके सिस्टम, जिसमें एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। इस सिस्टम का यूज़ करके हम देखो लेंथ का मेजरमेंट मीटर में कर सकते हैं, के का मतलब किलोग्राम, मतलब मास का मेजरमेंट किलोग्राम में कर सकते हैं, टाइम का मेजरमेंट हम किस में कर सकते हैं, सेकंड में कर सकते हैं। ओके, तो ये एमके सिस्टम हुई। अभी एमके के बाद न्यू सिस्टम कौन सी डेवलप हुई, तो के बाद में इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ। ओके, अभी तक तो हम मास, लेंथ और टाइम से डील कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इन्वेंशन बढ़ते गए फिजिक्स के अंदर, तो घर के अंदर हम जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो करंट आ रहा है वो कितना करंट आ रहा है, तो करंट का मेजरमेंट किस में करेंगे, तो करंट का यूनिट हमें पता है क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर का मेजरमेंट करने के लिए एक दूसरी सिस्टम में बनाएगी जिसको बोला गया एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में आगे वाला जो था वो तो एज इट इज़, जैसे कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, लेकिन क्वांटिटी कौन सी, तो कि इलेक्ट्रिकल करंट, उसका मेजर करने के लिए क्या आया, एम्पियर आया। ओके, जैसे नीड बढ़ती गई वैसे वैसे सिस्टम डेवलप होते गया। अभी क्या हुआ, तो मान लो कि इंडिया के अंदर ये उस टाइम में पॉपुलर कौन से थे, तो क्या एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, ओके, ये सभी कंट्री के अंदर यूज़फुल होते रहते, लेकिन कोई पर्टिकुलर कोई एक सिस्टम नहीं था, सभी लोग अलग अलग इसमें से तीनों में से कोई अलग अलग सिस्टम यूज़ करते थे। तो प्रॉब्लम ये था कि सभी जगह पे ग्लोबलाइजेशन नहीं है, एक यूनिफिकेशन नहीं है, सभी जगह पे सेम नहीं है। तो इससे क्या होता था कि हमारा प्रोडक्ट कोई दूसरी कंट्री में देना हो, वो सीजीएस में मेजरमेंट करता और हम उसको एमकेएस में दे रहे हैं, तो उसमें डिफ़िकल्टी होती थी प्रोडक्ट में। हमें क्या होता था कि हमें नुकसान भी होता था, कभी प्रॉफिट भी हो सकता है सामने वाले को। तो मतलब मैं दोनों का सिस्टम सेम रहेगा तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है, कोई वॉर नहीं हो सकता है। ओके, कोई सेम होगा तो क्या हो सकता है, तो कि बिजनेस के अंदर ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। तो उसके लिए सभी कंट्री के जो लोगों ने सोचा कि हमें ऐसा एक ब्यूरो बनाना चाहिए जिस ब्यूरो के अंदर हमें डिस्कस करना चाहिए कि वेट और मेजरमेंट का, कि उसके अंदर हमें क्या लाना चाहिए, यूनिफिकेशन लाना चाहिए, मतलब एक लाना है चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक ब्यूरो डेवलप किया। फ्रांस के अंदर एक ब्यूरो है, अभी भी है, जिसका नाम है IBMW। ये इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट एंड मास, सॉरी वेट, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट एंड वेट। तो इस ब्यूरो ने क्या सिलेक्ट किया, तो इस ब्यूरो ने सभी साइंटिस्ट लोगों को बुलाया, साइंटिस्ट लोगों के पास डिस्कशन किया कि हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर करना है तो उसमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टी आ रही, उस मेजरमेंट को हमें यूनिफिकेशन कैसे बना सकते हैं, तो इसके अंदर सभी ने डिस्कशन आगे बढ़ाया। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ये नोट करो, इसके बाद थोड़ी देर में हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे एमकेएस, सीजीएस, एपीएस सिस्टम के ऊपर। तो जो ब्यूरो थी IBMW, मतलब इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट एंड वेट, उन्होंने क्या डिसीजन किया, तो कि उन्होंने ये डिसीजन किया 1971 में कि ऐसा हमें सिस्टम बनाया है जो सभी कंट्री में एक हो, ओके, सभी कंट्री में सेम हो, फॉलो हो। तो उन्होंने क्यों
नया सिस्टम डेवलप करने की ट्राई की, लेकिन नया सिस्टम डेवलप करें तो उससे डिफ़िकल्टी ये होगी कि सब लोग तो क्या यूज़ कर रहे थे, FPS, CGS और MKS में यूज़ कर रहे थे, तो नया लाने में उनको थोड़ा यूज्ड टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, डिफ़िकल्टी रहेगी। इसलिए ब्यूरो ने क्या सोचा, फ्रांस के अंदर जो ब्यूरो था उन्होंने, तो उन्होंने ये सोचा कि हम तो MKS तो यूज़ कर ही रहे, तो MKS के अंदर ही कुछ अपग्रेड करके, कुछ मॉडिफाई करके क्यों ना उसको ही हम एक स्टैंडर्ड बना दे, एक सभी जगह पे यूनिफॉर्म कर दे कि सभी जगह पे हम सिर्फ वही फॉलो करें। तो जो ब्यूरो था उन्होंने डिसाइड किया कि MKS के अंदर मॉडिफाई करके एक सिस्टम बनाया, जिसका नाम बोला उन्होंने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो उस सिस्टम के अंदर क्या किया गया, तो कि सभी कंट्री के अंदर इक्वल यूनिट रखे गए, ओके सेम यूनिट रखे गए, ओके तो ये सेम रखने का मतलब ये है कि यहाँ से कुछ प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में जा रहा है, मान लो कि इंडिया से हम जापान भेज रहे हैं या तो फिर अमेरिका भेज रहे हैं, तो उसमें यहाँ से मास को केजी में मेजर करें तो लोग भी क्या करेंगे, सामने केजी में ही मेजरमेंट करेंगे। तो मतलब दोनों कंट्रीज़ के बीच में बिजनेस में ग्लोबलाइजेशन होगा, दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ओके। तो इसके लिए ये सिस्टम डेवलप किया गया कि दोनों कंट्री में यूनिफॉर्म रहे, दोनों कंट्री के अंदर सेम यूनिट रहे इसके लिए, ओके। और वो कुछ नया नहीं था, वो MKS के अंदर ही मॉडिफाई करके SI सिस्टम बनाया गया। वो क्यों बनाया गया, तो कि सभी कंट्री के अंदर बिजनेस में ग्लोबलाइजेशन हो उसके लिए बनाया गया। तो टोटल हमारे पास जो सिस्टम की बात करें तो कितने हुए, तो कि हमारे पास टोटल 4 टाइप के सिस्टम हुए, ओके कौन से, तो कि FPS, CGS, MKSA और लास्ट में SI सिस्टम, ओके। जो लेटेस्ट जो हम यूज़ करेंगे वो SI सिस्टम, ओके हम यूनिट लिखेंगे वो भी SI या तो MKS, MKS का ही अपडेटेड वर्जन है कौन सा, SI सिस्टम, ओके जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके स्टूडेंट। और ये जो सिस्टम डेवलप किया वो किसने डिसाइड किया, तो एक ब्यूरो है, जो ब्यूरो क्या करता है, वेट एंड मेजरमेंट के ऊपर डिस्कस करता है, ओके सभी कंट्रीज से साइंटिस्ट आते हैं, उनको फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन सा यूनिट रखना है, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर कौन से यूनिट उनको डिसाइड करने, क्वांटिटी के अंदर चेंज करना हो तो क्या चेंज कर सकते हैं, तो उसी मीटिंग के अंदर उनका कॉन्फ्रेंस के अंदर वही डिस्कशन होता है। वो कहाँ पे होता है, तो कि फ्रांस के अंदर होता है, ओके स्टूडेंट। तो ये हमारे थे सिस्टम ऑफ यूनिट, और यूनिट क्या थे वो हमने डिस्कस किया, ओके यूनिट क्या है, तो कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट कर दो, नेक्स्ट आगे बढ़ते फिर, ओके स्टूडेंट। यूनिट के सिस्टम के बाद यूनिट को लिखेंगे कैसे, यूनिट को लिखने का जो रूल्स है वो क्या होता है, कि जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे या तो कहीं पे आप यूनिट्स लिखोगे न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे, या तो आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका फोर्स का वैल्यू है F=50, तो उसके बाद में आपको यूनिट लिखना होता है कि 50 तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो इसके पीछे आप N लिखते हो, तो उसका रूल्स क्या होता है, ओके जो आप यूनिट लिखने का जो साइन कन्वेंशन बोल सकते हैं या तो कन्वेंशन ऑफ राइटिंग अ यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स वो क्या है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट इसलिए कि आप अभी तक जो आप यूनिट लिखते आए हो वो रेंडम लिखते थे, उसका के पीछे कोई रूल्स आपको पता नहीं थे लोअर क्लास में, अभी इसके पर्टिकुलर रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ओके क्योंकि हमारे फिजिक्स के अंदर हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल के जो यूनिट होते हैं, मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है उसके पीछे हमें यूनिट प्रॉपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा बोर्ड का रूल है उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा, और प्रॉपर यूनिट होना चाहिए। तो यूनिट लिखने का जो तरीका है, जो रूल्स है वो हम अभी समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कि यूनिट इज़ नेवर रिटन विथ कैपिटल इनिशियल लेटर, के मान लो कि आपके पास कोई यूनिट है, फोर्स का यूनिट ले लेते हैं कि न्यूटन में लिख रहा हूँ ये, ओके फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो इसका मैंने पहला लेटर देखो कैपिटल लिखा तो वो आप लिख नहीं सकते, ये रॉन्ग है, ओके तो लिखेंगे कैसे, तो कि स्मॉल लेटर में न्यूटन, ओके आप ऑलवेज ऐसे लिखोगे, ओके ये एग्जांपल था आपका, तो क्या कभी भी इसके फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल दूसरा ले ले, मीटर की बात करें तो ये मीटर आपका ये होगा, तो इसका पहला लेटर कैपिटल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, मीटर को ऑलवेज आप ऐसे ही लिखोगे, ओके स्मॉल लेटर में। और दूसरा एक ले लेते चलो जूल, तो जूल का आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप जूल को लिख सकते हो ऐसे स्मॉल लेटर में, ओके जूल किसका यूनिट है, तो क्या एनर्जी का, वर्क का, ओके सेकंड रूल क्या है, तो कि इफ़ यूनिट इज़ नेम ऑफ
इट्स साइंटिस्ट द सिंबल इज कैपिटल लेटर अदरवाइज सिंबल इज नॉट इन कैपिटल लेटर। कि मान लो कि आपका कोई यूनिट है वो साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से आ रहा है, ओके, तो उसका पहला लेटर आपको क्या करना है, पहला लेटर सिंबल के फॉर्म में लिख रहे हो तो पहला लेटर आपको कैपिटल लेना है, नहीं तो पूरा आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन है, फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ओके, ये न्यूटन, या तो आप उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कैपिटल एन से करोगे, ओके, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते न्यूटन, ओके, ये रॉन्ग है, ये आपके राइट है, ओके स्टूडेंट, ये आपका एग्जांपल हुआ। दूसरा जूल की बात करें तो जूल में ये कैपिटल जे लिख सकते हो, ओके, लेटर के फॉर्म में या तो आप पूरा लिखो तो स्मॉल लेटर में, या तो फिर एक ही सिंबल के फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो पहला लेटर साइंटिस्ट का नेम के ऊपर से कैपिटल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम है, ऐसा रूल बनाया हमने कि न्यूटन जो है वो साइंटिस्ट है तो उसका पहला लेटर हम कैपिटल रखेंगे, जूल एक साइंटिस्ट का नेम है उसके ऊपर से ये यूनिट है इसलिए पहला लेटर कैपिटल। लेकिन आप मीटर को, मान लो कि ये मीटर को लिखना हो तो मीटर को आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये साइंटिस्ट का नेम नहीं है, तो उसको आप स्मॉल एम से डिनोट करोगे, ओके स्टूडेंट। तो ये चीज़ याद रखना है, जब आप यूनिट लिखोगे साइंटिस्ट का नेम आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो पहला लेटर कैपिटल लिख सकते हो, अदरवाइज आपका कोई दूसरा कोई भी यूनिट मीटर है किलोग्राम है तो उसमें आपका पहला लेटर क्या आएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में स्मॉल लेटर आएगा, ओके स्टूडेंट। उसके बाद द यूनिट्स और सिंबल आर नेवर रिटन इन प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, कि मान लो कि मुझे कोई बॉडी का मास दिखाना है तो मास ऑफ ए, ओके, ए बॉडी का मास मान लो कि मैं 1 kg दिखा रहा हूँ, वैसे सिमिलर मास ऑफ बी बॉडी वो 1000 या तो 100 kg, मान लो 100 kg, तो मैं पीछे kg से नहीं लिखूँगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख पाऊँगा उसको, मैं उसको सिंपली लिख सकता हूँ 100 kg, ओके, प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं यूनिट आएंगे, ओके, और उसके सिम्बल आएंगे। लास्ट में सिम्बल आर नॉट फॉलो बाय अ फुल स्टॉप, मतलब आप जब कोई यूनिट लिख रहे हो, मान लो 20 मास का रिप्रेजेंट करो, एम इक्वल्स टू 20 kg, तो पीछे आपका फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। ये अदर ये जो आप फुल स्टॉप करते हैं वो लैंग्वेज में राइट है लेकिन फिजिक्स के अंदर ये रॉन्ग हो जाएगा, आप कभी भी यूनिट के पीछे फुल स्टॉप नहीं रख सकते, ओके, और ऐसे भी नहीं लिख सकते कि दो जो सिंबल के बीच में भी पॉइंट नहीं रख सकते, आप नॉर्मली 20 kg ऐसे लिखोगे तो आपका ये राइट होगा, ये सब रॉन्ग है, मतलब मैं कभी भी पॉइंट नहीं रखना, आपको बीच में भी नहीं रखना है सिंबल के बीच में और लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं रखना है, ओनली kg जो सिंबल आ रहा है वही आपको लिखना है। तो ये कुछ रूल्स है, ओके, किसके रूल्स, तो कि आपको यूनिट्स लिखना हो या तो यूनिट के सिंबल लिखना हो, उसके कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ओके, तो ये अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का हमने डिस्कशन किया था कि फिजिकल क्वांटिटी के भी 3 types है, उसमें हमने बात किया था फंडामेंटल जिसको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी बोला जाता है, फिर डिराइव्ड और लास्ट में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो एक्सप्रेस करने के लिए या तो डिफाइन करने के लिए अदर कोई फिजिकल क्वांटिटी की नीड नहीं होती। फॉर एग्जांपल मुझे मास को रिप्रेजेंट करना हो तो मास के लिए मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेंथ को रिप्रेजेंट करना हो तो मुझे कोई करंट की नीड नहीं होती। तो मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ओके, वो एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो वैसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। तो वो साइंटिस्ट लोगों ने एक हमें यहाँ पे दिया कि 7 फिजिकल क्वांटिटी ये हमारी ये फंडामेंटल है। अभी तक के जो ऑब्जर्वेशन में ओनली हमें 7 फिजिकल क्वांटिटी याद रखने हैं, ओके, लेटेस्ट जो ऑब्जर्वेशन होगा तो वो न्यू बुक के अंदर न्यू एडिशन में आएगा, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर जब तक आप 11-12 पढ़ोगे तब तक आपको सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटी जो आपके फंडामेंटल है, ओके, उसमें फर्स्ट है मास। तो ये मास, फिर लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये आपकी 7 फिजिकल क्वांटिटी है, आपकी बेसिक है तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। उसमें आप 11th के अंदर मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर
और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पढ़ोगे, मतलब टोटल फाइव फिजिकल क्वांटिटी आप 11th के अंदर डिस्कस करने वाले हो, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आप 12th के अंदर पढ़ोगे, और जो लास्ट में 7 नंबर की जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हायर स्टडी के अंदर आता है, 11th 12th के अंदर ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिर्फ वर्ड ही आएगा, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट मास है, तो मास को हमें मेजर करना हो तो कंपैरिजन करना हो तो हम क्या करते हैं, तो कि स्लैब से कंपैरिजन करते हैं, मेटेलिक स्लैब से दो। ओके, तो उसमें मास का मेजरमेंट होता है किलोग्राम में। ओके, मास का ये जो यूनिट होता है वो किलोग्राम, लेंथ का मेजर हम मीटर में करते हैं, मतलब उसका यूनिट मीटर, फिर टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर, क्योंकि उसमें एम्पियर का मेजरमेंट करते हैं हम। ओके, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो क्या होगा, मोल, और लास्ट में इलेक्ट्रिक सॉरी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसका जो यूनिट है होता है कैंडला। अभी यूनिट का जो सर्किट सिंबल होता है, ओके, यूनिट सिंबल वो क्या होगा, देखो किलोग्राम है उसको मुझे सिंबलिक रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो स्मॉल लेटर में केजी लिखूंगा। ओके, मीटर को भी मैं स्मॉल में लिखूंगा। तो सर यहाँ पे स्मॉल में क्यों लिख रहे हो, तो कि ये जो किलोग्राम और मीटर है वो साइंटिस्ट के नेम नहीं है, साइंटिस्ट के नेम होते तो मैं फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल लिखता। ओके स्टूडेंट, सेकंड है तो सेकंड के लिए स्मॉलेस्ट केल्विन, ये साइंटिस्ट का नेम है, तो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लिखना है। एम्पियर साइंटिस्ट का नेम है, पहला लेटर क्या करना है, कैपिटल लिखना है। मोल साइंटिस्ट का नेम नहीं है, हम सिंपल स्मॉल लेटर में मोल लिखेंगे, और कैंडला में सीडी स्मॉल लेटर में। तो ये इसके सर यूनिट सिंबल हुए। ओके स्टूडेंट, उसके बाद बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से हमारा फिजिक्स कंप्लीट नहीं होता है, हमें फिजिक्स के अंदर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की भी नीड रहती है जो डिराइव्ड होती है। डिराइव्ड का मतलब होता है वो फंडामेंटल के मिक्सअप से बनी होती है, उसके कॉम्बिनेशन से बनी होती है। ओके, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर से बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोलूँ कि एरिया, तो एरिया क्या होता है, ब्रेथ इंटू लेंथ, या तो लेंथ इंटू ब्रेथ हम लिखते हैं, तो ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो इसके कॉम्बिनेशन से एरिया बना। ओके, ऐसे ही हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम वी इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये भी डिराइव हुई। डेंसिटी तो रो इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, तो ये मास क्या होता है, तो कि मास अपना एक फंडामेंटल, वॉल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब, तो इन दो फंडामेंटल से क्या बना, अपना डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बना। ओके स्टूडेंट, तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी लॉट्स ऑफ है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, उसके कोई लिमिट नहीं है। ओके, लेकिन जो फंडामेंटल है ओनली 7 है। ओके, इसके अलावा भी फिजिक्स के अंदर कुछ कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें स्टडी करनी होती है। फॉर एग्जांपल हमें रिक्वायरमेंट होती है एंगल की, तो एंगल मेजरमेंट करने के लिए कैसे मेजर करें, तो एंगल मेजरमेंट करने के लिए आपको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की नीड होती है, और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो है। जब आप 2D में एंगल मेजर करोगे तो आपको क्या चाहिए, प्लेन एंगल, जब आप 3D में एंगल मेजर करोगे तो आपको सॉलिड एंगल चाहिए। तो चलो देखते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी जिसकी रिक्वायरमेंट हमें फिजिक्स के अंदर होती है एंगल मेजरमेंट के लिए, और जिसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। ओके, डायमेंशन वाला टॉपिक हम डिटेल्स में करने ही वाले हैं स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे आप इतना याद रखो कि जिनका यूनिट हो लेकिन डायमेंशन नहीं हो, तो वैसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो उसमें अपने पास दो ऐसे हैं, एक है प्लेन एंगल ओके, और सेकंड है अपना सॉलिड एंगल। ओके, प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, आप लोगों ने सुना ही होगा रेडियन। ओके, और दूसरा है सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन। ओके, और सर्किट सॉरी यूनिट सिंबल है रेडियन का RAD स्मॉल लेटर में, और स्टेरेडियन का SR स्मॉल लेटर में। ओके, तो ये अपने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, और बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हुए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिटेल्स में जाएंगे मेजरमेंट के अंदर, कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में प्लेन एंगल कैसे मेजर कर सकते हैं और सॉलिड एंगल कैसे मेजर किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा यूनिट्स एंड डिफरेंट यूनिट के सिस्टम। ओके स्टूडेंट, तो अच्छे से नोट कर लो, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।